हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 के बारे में। ठीक है, तो क्या कुछ डेट निकल के सामने आ रही है 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेके, तो चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बात करें कि इसकी घोषणा यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी UPMSP के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है। ठीक है, तो जैसा कि बात करें आपके हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के जो परिणामों की तैयारी है वो जोरों पे चल रही है। ठीक है, इनका तैयारियों का काम आपका पूरा हो चुका है। क्या क्या तैयारी पूरी हो चुकी है, तो जैसा कि बात करें कि आपकी जो कॉपी चेक हो रही थी उनकी चेकिंग भी कर ली गई है पूरी। आपके 16 फरवरी से 3 या 4 मार्च को दो शिफ्ट में पेपर हुए थे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के, जिसमें आपके जो कॉपी चेक हो रही थी 18 मार्च से 31 मार्च तक कंप्लीट कर ली गई। इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ वेट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि आपकी जो नंबर फीडिंग है वो अप्रैल के सेकंड सप्ताह तक चलने वाली है। 15 से 20 दिन का समय इसमें लगेगा, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, और 27 अप्रैल को कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका रिजल्ट UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसकी घोषणा की जाएगी कि 27 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड सचिव क्या कह रहे हैं इस रिजल्ट को लेके, तारीख को लेके। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बोर्ड सचिव क्या कह रहे हैं कि अंक बढ़ाने को लेकर और पैसों की मांग करने वाले जो ठग हैं उनकी फोन कॉल से भी आप सावधान रहें, क्योंकि नंबर बढ़ाने को लेकर, परसेंटेज बढ़ाने को लेकर साइबर ठगी भी चल रही है। ठीक है, आपके सहयोग से ही इन अराजक तत्वों से बचा जा सकता है, ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा घोषणा दिविकांत शुक्ला जी ने की है। ठीक है, तो जैसा कि बात करें 16 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू हुई थी और 4 मार्च को इनकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। रिजल्ट आप कहां से देख सकते हैं, UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in से, और किससे देख सकते हैं, uprizult.nic.in वाली वेबसाइट से आप रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन वेबसाइट पे लॉग इन करना होगा। ठीक है, और इसके बाद हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के लिए अलग अलग लिंक्स होती है, ठीक, जिन पे आप टैप करके रोल नंबर भर के, और सबसे जरूरी चीज होती है विद्यालय कोड, ये आपके प्रवेश पत्र पे दिए होते हैं, तो जिनको भर के सबमिट करके रिजल्ट आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है।